गीत लोग सुनते हैं तो यह भी सोचते हैं भी असल लंडी जीप तैयार कितों होती है। हाँ जी, किस टाइम इनू फौज ही वरतदी सी इस जीप में, पर अज के टाइम से इनू शौक वजो मतलब लोग पसंद करते चलाते हैं। इधर आके भी देख लें, टायर भी मैं देख रहा, लिया कितों है सारा समान। मैं शुरुआत के चैसी तो लैके सब कुछ जोड़ा है इतने तैयार होंगे। हाँ, मैं बड़ा देखता यह कदे वास्ते रख्या होंदा जीप दे विच। हुण तां शौक वजो लगा होया जी, एक तरह का किसी टाइम जो फौज वरतदी उदो इनू यूज किया जाता सी मिट्टी पट्टन लई, जो कितें गड्डी खुब जांदी सी। ए गेयर लग्या होया काफ़ी अलग जिहा दिख रहा है, गेयर है कि वह गेयर है समझ नहीं आ रहा दोनों च। यह गेयर ही है जी, गेयर लीवर ही है जी दोनों, एक 4x4 है जी, एक मैनुअल है जी। मैं तुहानू कोई पुरानी गड्डी लिया के दऊंगा कि मैं तुहानू बोड़ी लिया के दऊंगा की होगा, मैनू माड़ा जिहा दसो इहदे बारे। तुहानू कुछ नहीं लियाउणा पवेगा जी, सारा कुछ इत्थों ही रेडी मिलेगा, तुहानू जीप इत्थों ही रेडी मिलेगी, सारा कुछ नाल दी नाल मिल जाएगा। आ बड़ा देखीदा जिवें वो नवी वाली च भी जिहड़ी नवी मॉडल की बनाई है, उहदे च भी आ फ्यूल टैंक हैगा, इहदे च भी फ्यूल टैंक हैगा, मतलब बंदा अपना नाल फ्यूल लैके तुर सकदा है, या एक शो पीस ही रह गया जी। हम पता लोड़ नहीं पैंती कि जगह जगह पर पेट्रोल पंप, उन्होंने टाइम से पेट्रोल पंप घट से, मिलिट्री में कितने भी फ्यूल की लड़ पै सकती तो फिर ये स्टोर करके लैके जाते। एक जीप जी तैयार कि समा लै जाती है, कि समा तैयार हों? इंजन कि लगता है, जोड़ा ज़्यादातर इंजन होंगे वो कि लगता है? इंजन ज़्यादातर जी बलैरो का ही लगता जी, बलैरो का टर्बो इंजन लगता है, ये टोयोटा 3C भी आप लगवा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। हाँ, लोगों को यह भी बड़ा आता भी कि असी मोडिफाइड जी जीप है कार है वो असी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं भी US या कैनेडा ही जाती ने। असैम्बल जीप ना चला सकते हैं, ये असैम्बल है जी जीप, इन कनेडा इंडिया सारी हर एक कंट्री के चलती है, शौक वजो आ गई ना। बाकी ये प्राइवेट होंगी गड्डी, आप कि मर्जी साल रख भी सकते हैं, कई पुरानिया खड़िया होंगे निशानियां होंगे बुजुर्गों दी नहीं बेचनी। ट्रैक्टर का सलेंसर ये चलता तो नहीं, कितने इतों तो नहीं धुआं निकल, धुआं नहीं निकलता, ये तो वैसे शो जो ही लगा जी। हाँ, पहला नहीं आता हूँ, ये फिल्म आई से ना कैरी ऑन चट्टा, वो गिप्पी गरेवाल ने गड्डी से लाया पहली बार, उस तो बाद हरेक जीप से लग गया जी। हुण जिवें बाहर चले गए अपने बहुत नौजवान कनेडा दे विच, वो इधर आके हजे भी ये जीप उधर ले जा रहे हैं, उधर जाके चला रहे अपना शौक पूरा करते हैं। इन्हां च एसी यूसी तो नहीं फिट होंगे, मतलब गर्मी च बंदा ऐ ही निकले, पांच कु बंदे बैठ सकते हैं जीपां, चार पांच बंदे बैठ सकते हैं, बट हाँ समान नहीं रखा जा सकता, जिन्हें लैनी है शौक नूं लवे। हाँ, ये तो वैसे ही एक दो बंदे घूमन जा सकते, इतने कहीं बाहर गए जब पहाड़ा के घूमन गए हैं, छत है नहीं उपर वधिया फील हुंदा, ये बाद पॉलिश किए जाते हैं, कुके वगैरह लाए जाते हैं स्पैशल, सारा कुछ बनाया जाता, इधर कुल्हाड़ी लगाई जाती, उधर बेलचा लगाया जाता, ये सारा लकड़ पॉलिश किया जाता। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो तुसीं ते मैं हाँ कुवरजोत सिंह। पंजाबी लोग जीप के बहुत ज़्यादा शौकीन है, स्पैशली तुसीं गाने बड़े सुने होणगे, लंडी जीपां दे गाने गीत बहुत सुने होणगे, तो उस तरीके ना एक लंडी जीप दे उत्ते मैं बैठा होया। हुण कई बार गीत लोग सुनते हैं तो यह भी सोचते हैं भी असल दे विच लंडी जीप तैयार कितों होंदी है, कि पंजाब दे विच तैयार होंदी है, कि पंजाब दे विच असीं इस नूं चला सकते हैं, क्योंकि मोडिफाइड जीप भी इस नूं कहा जाता है,
सवाल बड़े ने, तो अज सवालों के जवाब जिहड़े तुहानू जरूर मिलणगे इस वीडियो राही। तुहानू जानकारी ये भी मिलेगी भी असल दे विच तैयार किस तरीके नाल हुंदी है, इस दे विच इंजन जिहड़ा है वह किहड़ा इंस्टॉल किया जाता है, एक एक गल का तुहानू अज जवाब मिलेगा। तो मोगे दे विच पहुंचे हाँ, तो हुण तुहानू दस दिंदे हाँ मोगे दे विच मार्केट है जिस दे विच शुरुआत तो लैके फाइनल प्रोडक्ट तक तुहानू मिलेगा, मतलब एक चेसी तो लैके फाइनल जीप तक तैयार इत्थे हुंदी आ। तो हुण उतरदे हाँ गल करदे हाँ, पहला तो जीप जरूर तुसीं देख रहे होवोगे, ये शायद तुहानू फौज की जीप लग रही होएगी, USA भी लिखा होया, जिहड़ी फौज नू जीप मिलदी सी हूबहू यह जीप जिहड़ी तैयार की हुई है। तो दूजे पासे मेरे देखोगे एक मॉडर्न जीप जिहड़ी आ वह भी खड़ी आ, दोनों जीप जिहड़ियां ने तैयार ने। तो हुण इस नौजवान नाल गलबात करदे हाँ जिहड़े आ जीप का काम कर रहे आ, व्यापार कर रहे आ, तैयार कर रहे आ, फाइनल प्रोडक्ट इन्हां कोल तैयार जिहड़े आ मिल जांदे आ। तो मोगे दे विच जिहड़ी मार्केट है सिर्फ एक नहीं काफ़ी मार्केट्स है, तुसीं इत्थे आओ तुहानू जीप जिहड़ी आ अपने हिसाब नाल तैयार करवा सकदे हो, ऑर्डर ते भी तैयार हुंदी आ। हुण नौजवान नाल गल करदे आ, पहलां तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करदे आ। हाँ जी धन्यवाद जी तुहाडा। तो हुण आ नवी वाल तो बाद चो जाने आ, पहला चलो ये भी नवी आ बट बनाई पुराने तरीके नाल हुई है जरूर। तुसीं ये उदा ही जिदा आर्मी वेले तैयार होंदी सी, मैं देख रहा इत्थे USA लिखा हुआ कि USA आर्मी नूं इहो जिहियां जीप्स मिलदियां सी जां इंडियन आर्मी नूं मिलदियां सी, USA लिखा है, दसो इहदे बारे जानकारी दिओ। हाँ जी, किसे टाइम इहनूं फौज ही वरतदी सी इस जीप नूं, पर अज दे टाइम च इहनूं शौक वजो मतलब लोग पसंद करदे आ चलाउंदे आ, उस टाइम दा मॉडल आई इह। तां हुण इधर आ के भी देख लैंदे आ, टायर भी मैं देख रहा, ये लियांदे कित्थों आ सारा समान जिवें मैं देख रहा, क्योंकि मैं शुरुआत दे विच कहा चैसी तो लैके सब कुछ जिहड़ा है इत्थे तैयार हुंदा, कित्थों इह सब कुछ लियांदे कित्थों, किवें तैयार हुंदा है, की कोई ऑर्डर दे के जाता भी हाँ स्पैशली इदा की जीप बनवानी है? नहीं, कुछ समान है जी, पहला ये पहला तो मिलटरी में आता सी, वो समान मिल जाता, कुछ तैयार भी किया जाता है, सारी तरह इदा ही है जी। तो आ मैं बड़ा देखदा यह कदे वास्ते रखा होता जीप दे विच, काफ़ी जीपा देखी दी रखा होता कदे वास्ते रखा जाता जी? हुण तो शौक वजो ही लगा होया जी, एक तरह का किसी टाइम जो फौज वरती थी उदों इहनूं यूज किया जाता सी मिट्टी पट्टन लई, जो कितें गड्डी खुब जाती सी। अच्छा अच्छा, मतलब जिवें हाँ जिवें कई बार कोई व्यक्ति जा रहा तो गड्डी काफ़ी जगहों पर फौज में कच्चे रस्ते भी जाना पैंदा है, रस्ता जिते नहीं होंदा उत्थे भी जाना पैंदा, तां ही रखा जांदा जांदा सी, पर अज दे टाइम च सिर्फ शौक वजो लगाया, मतलब शौक वजो लगाया गया। आ मैं देख रहा आ गेयर लग्या होया काफ़ी अलग जहा दिख रहा, गेयर है कि वह गेयर है समझ नहीं आ रहा दोनों च? ये गेयर ही है जी, गेयर लीवर ही है जी दोनों, एक 4x4 है जी एक मैनुअल है जी। अच्छा, ये गड्डी 4x4 है जी? 4x4 है जी। आ जिहड़ी जीप है ये 4x4 गड्डी? 4x4 है। तो एक मैं गल दसो, जिमें मैं थोड़े को आया मैं कहता भी मैं जीप तैयार करानी है, तो कि मैं तुहानू कोई पुरानी गड्डी लिया के दऊँगा कि मैं तुहानू बोड़ी लिया के दऊँगा की होगा, मैं माड़ा जिहा दसो ये बारे। तुहानू कुछ नहीं लिया पेगा जी, सारा कुछ इतों ही रेडी मिलेगा, तुहानू जीप इतों ही रेडी मिलेगी, सारा कुछ नाल दी नाल मिल जाएगा जी, मतलब फाइनल प्रोडक्ट इतना इतने ही मिलेगा जी, तुहानू कुछ नहीं करना पेगा जी। तो ये फोन चलता है जिहड़ा लगाया होया? फोन नहीं चलता जी, ये जो मिलटरी कोर्स की जो टाइम जिहड़े टाइम मिलटरी वरतदी सी उदों चलता सी, हुण नहीं चलता है, हुण शौक वजो ही लगा बस सारा कुछ, मतलब उदा ही इंस्टॉल, मतलब जिदा पुरानियां जीप्स चलदियां सी आ मैं देख रहा जिवें आ भी पिछे लाया होया, तो आ बड़ा देखीदा जिवें वह नवी वाली च भी जिहड़ी नवी मॉडल की बनाई है उहदे च भी आ फ्यूल टैंक हैगा, इहदे च भी फ्यूल टैंक हैगा, मतलब बंदा अपना नाल फ्यूल लैके तुर सकता है, या एक शो पीस ही रह गया? शो पीस ही है जी, किसी टाइम सीगा ले जा सकदे सीगे आपां, मैं यूज़ तां अज भी कर सकते क्योंकि नवा ही हुंदा इह। अच्छा अच्छा, मतलब यूज अज भी किया जा सकता है, पर अज तां जी तुहानू पता लोड़ नहीं पैंदी कि जगह जगह ते पेट्रोल पंप आ, उन्हां टाइमां च पेट्रोल पंप घट सीगे, मिलटरी नूं किते भी फ्यूल की लोड़ पै सकदी, तां उह फिर इहदे विच स्टोर करके लैके जांदे सीगे। अच्छा अच्छा, इहदे टाइम च इहदी कोई जरूरत नहीं पैंदी अज दे टाइम च, इह बस हुण तां इक शौक ही रह गया जी मेरे कोल, पुराने टाइप की गड्डी खड़ी है एक। ना मैं देखता हूँ ना जीप दे विच आ हर जीप दे विच लग्या होंदा, जिहड़ी मॉडिफाइड कराई होंदी उस दे विच जरूर लग्या होंदा, कादे वास्ते होंदा भी टोचन पा सकीए असीं? हाँ जी, टोचन पाउण वास्ते हुंदी, हुक हुंदी है जी, इहदे नाल आपां कोई भी गड्डी नूं टो कर सकदे इहदे मगर, या ट्राली नूं भी गड्डी नूं भी कुछ भी। हाँ जी, ते एक मैनूं इह गल दसो भी एक जीप जिहड़ी आ तैयार किन्ना समां लै जांदी है, किन्ना समां तैयार हुंदा, क्योंकि तुसीं कहा भी फाइनल तुसीं अपने के ते हिसाब नाल ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜੀਪ ਬਣਾਉਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾਉਣੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੈ।
आम नॉर्मल जीप नू 45 तो 60 दिन दे वेच वेच रेडी हो जाती है। ए इंजन केड़ा लगता है जिहड़ा ज्यादातर इंजन होंदा है वो केड़ा लगता है? इंजन ज्यादातर जी बलैरो दा ही लगता है, बलैरो दा टर्बो इंजन लगता है। टोयोटा 3C भी आपां लगवा सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस है। हाँ भी केड़ा लवाना चाहते हैं केड़ा नहीं लवाना? साइलेंट इंजन भी लवा सकते जिहदी आवाज़ ना होवे, पेट्रोल भी डीजल भी ये अपनी चॉइस है। साइलेंट इंजन केड़ा? साइलेंट मतलब गड्डी दी आवाज़ ना होवे स्टार्ट करी, जिवें पेट्रोल तुहाडी कार होवे उहदी आवाज़ नहीं आउंदी स्टार्ट खड़ी, उवें पेट्रोल इंजन लग जाएगा फिर गड्डी साइलेंट हो जाती। बिल्कुल साइलेंट गड्डी हो जाती, मतलब जो स्टार्ट करते हैं आवाज़ आती है। बट कई बार ना जी स्टार्ट की आवाज़ होंगी वो बड़ी पसंद होंगी लोगों को, जो स्टार्ट करते ना वो आवाज़ चाबी जो ऐ घूमती है लोगों को वो बड़ी कई पसंद होंगी। जी आप डीजल के बनाने फिर तो आवाज़ आएगी, पेट्रोल के आवाज़ नहीं आती जी, बिल्कुल साइलेंट हो जाती है जी। पे एक आ कदे वास्ते रखा होंगे, ये कदे वास्ते लगे होंगे, ये बारे भी जानकारी दो। ये देखो हूँ तो एक शो पीस ही है, किसी जो मिलटरी कोल से उदो इन वरतों करती होंगी सी, आह चीज़ ना ये पै जाती होंगी सी, आ निकल के इतों खोलना आप दिखा दो आज माड़े, आ खुल के ये लग गया वो बन जाती नहीं सी कुल्हाड़ी जी, आप पट्टन मिट्टी पट्टन लिए, मिट्टी पट्टन लिए मतलब आ चीज़ आ तिखा पास ना, हाँ तिखा पास, हाँ वो मार दें थले, हाँ ये पै जाता सी। तो उस बाद मतलब हूब हू उदा ही तैयार की ये, फिर तुम उदों दियाँ तो को फोटोस पईया हुई या किस तरीके हूब हू तैयार करते हो? नहीं फोटो नहीं, काफ़ी कई वीडियो है जीपा शुरू तो ही, तुम्हें पता जीपा का दौर शुरू तो ही है जी, वो फिर देख लेंगे बन जाए किसी ने किदा की बनानी किसी ने कि। एक भी गल हों भी एक जीप जी है सिर्फ एक पासों नहीं, इस काफ़ी घर होंगे ने, काफ़ी घर का रुजगार भी चलता है, किन्ने कु पासों अलग अलग जे डिपार्टमेंट्स होंगे जितने जीप तैयार होंगी? ये काफ़ी होंदिया अलग अलग शॉप के जाना पैंता हर जीप में, इलैक्ट्रीशियन लई डेंटिंग लई अड पेंटिंग लई अड टायर लई टायर अलग, सारा काम अलग अलग होंदा इन्हां दा जी, आ हुड सीटा का काम अलग होंदा, मतलब काफ़ी घरां दा विच इहदे होंदा वा, काफ़ी घर काम करदे होंदे आ। ते अपने कोल बणियां बणाईयां होंदियां कि ऑर्डर ते होंदियां? जे जा कई होंदे ना भी कईआं कोल बणियां बणाईयां भी तैयार होंदियां तो बंदा खरीद लैंदा उत्थों जाके, या अपने को ऑर्डर से होंगे कि? अपने को बड़िया बनाई अवेलेबल ही होंगे वा, जे अगर किसी ने कुछ वक्री जीप बनानी है आप भी बना दें, वो टाइम ले लीजिए आप कस्टमर को फिर बना दी। अच्छा बनी बनाई जो कोई बंदा आना चाहता इतों खरीदना चाहता तो आ, हाँ जिमें आ रेडी खड़ी है इन्हों कस्टमर हूने की हूने ले जा सकता है, आ रेडी ने। तो एक होर गल दसो लोगों को यह भी बड़ा आता भी कि असी मोडिफाइड जी जीप है कार है वो असी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही समझते हैं भी US या कैनेडा ही जाती ने तो ये जीप्स जड़िया ने कई नहीं पता भी असं चला भी सकते हैं कि नहीं चला सकते? नहीं चला सकते हैं जी, असैम्बल जीप को आप चला सकते हैं, ये असैम्बल है जी जीप, यू कनेडा इंडिया सारी हर एक कंट्री के चलती है, शौक वजो आ गई ना। अच्छा हाँ जी, बाकी यह प्राइवेट होंगी गड्डी आप किन्ने मर्जी साल रख भी सकते हैं, कई पुरानी खड़िया होंगे निशानियां होंगे बुजुर्गों दी नहीं बेचनी, इदा ये प्राइवेट में आ जाएँ वा, इन्हों की पासिंग भी मिल जाती है तो आप चला भी। चलो हम उसके बारे गल कर ली, हम ये बारे गल करते हैं, बड़ी काफ़ी मैं मोटे मोटे टायर देख रहा लोए भी देख रहा, ये आप किस तरीके सोच के किस तरीके की गड्डी बनाई है, किसी गड्डी नू देख के बनाई है या वैसे ही भी हाँ एक अलग जी जीप बनाती आप? ये बस जीप दे विच ही है जी, अलग आ जाते बस किसी नू टायर वड्डे पसंद आ जी, ऑफ रोड टायर होंदा ये बस, जिवें महिंद्रा की पुरानी आती सी ओनू आप मोडीफाई अलग करता जी, ये सारी असैम्बल ही है जी। हाँ जी हाँ, ये तो बस अपने जिमें लोग चाहते किसी ने ऑफ रोड लिए किसी ने कोई वड्डा टायर पाँगा किसी ने छोटा उस हिसाब न बनी होंगी। तो आ ट्रैक्टर का सलेंसर ये चलता तो नहीं कितने इतों तक नहीं धुआं निकल, धुआं नहीं निकलता, ये तो वैसे शो जो ही लगा जी। अच्छा। हाँ पहला नहीं आता होंगे जी, फिल्म आई से ना कैरी ऑन चिट्टा वे गिप्पी गरेवाल ने गड्डी से लाया पहली बार, पहली बार उस तो बाद हरेक जीप से लग गया जी। अच्छा मतलब कैरी ऑन जट्टा तो बाद जो हर जीप से लग जीप वैसे मैंने जीप भी शायद उदा दी नज़र आ रही है कुछ इदा दी जीप चलाई हाँ वाइट कलर की जीप सी अच्छा योजे टायर से बट वो वाइट कलर की मेरे ख्याल ओपन गड्डी सी है तो मेरे ख्याल ओपन ही है भी हाँ ओपन है जी असैसरी पूरी दें वैसे अभी फिलहाल पूरी असैसरी दे दी गां फिर अगले मर्जी ना कोई छत ला दिंदा कोई कुछ कर दिंदा कोई कुछ कर दिंदा अपने हिसाब ना बना लेंदे तां हुण ए गड्डी बारे भी माड़ी जी आप तुसीं आप कुछ जानकारी दो मैं देख रहा वो चार्जिंग पॉइंट भी लगे विच चार्जिंग पॉइंट है जी अच्छा आ जिहड़ा अच्छा जिवें आम गड्डियां दे विच लग्गिया हुंदा उदां चार्जिंग पॉइंट भी इत्थे लगाया ते आ भी 4x4 आ नहीं ये 2-wheel गड्डी है अच्छा ये 2-wheel गड्डी है ओ 4x4 आ तो गड्डी इंजन है स्ट्रोंग होंगे या पूरे भी कुछ होंगे वजिया होंगे कामयाब होंगे जी पूरे शक्तिशाली इंजन होंगे जी मैं देख रहा इतने भी सब कुछ उ जो बनाया
ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਇਹੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੀਪ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਲੱਗੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਲਈਡੀ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹੀ ਅਤੇ ਆਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀਪ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਇਹ ਵੀ ਏਰੀਅਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਛੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਦੇ ਵੱਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਵੀਂ ਜੀਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੀਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਪ ਉੱਧਰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਟਰੈਂਡ ਆ ਜੀ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 25% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪਾਵਰ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਆ ਵੀਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟਡ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਫੈਂਸੀ ਆ ਜੀ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟਡ ਸਪੋਰਟਸ ਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਅੱਛਾ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜੀਪ 'ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਪ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਪਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੀਟਰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਚੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੰਡੀ ਜੀਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਉਸੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਗਰਮੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਐਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਓਪਨ ਜੀਪ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰਲਾ ਮੌਸਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਹਵਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਦਿਖੇ ਅਤੇ ਏਸੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਏਸੀ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਪਰ ਏਸੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਤਲਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜ ਕੁ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਕੁ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀਪਾਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਬਟ ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੀ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਲਵੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਆ ਜਿਵੇਂ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਕੋਲ ਜੀਪ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀਪ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਿਖਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜੀਪ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਦਿਖੇਗਾ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੀਪ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸਰਤਾਜ ਦਾ ਗਾਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਆਹ ਛੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਪ ਖੋਲੀ ਕੇ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਪ ਖੁੱਲੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਗੋਰਸ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਜੀਪ ਸਪੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁਦ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਬਾੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀਪ ਦੇਖੋ ਜੀ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀਪ ਗਾਂ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਜੀਪ ਲੈਣੀ ਆ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਉਹ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 2 ਵੀਲ ਜੀਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਵੈਸੇ ਸ਼ੋਅ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਆ ਇੱਕ ਅੱਛਾ 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 ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਨ ਲਗਵਾ ਲਓ ਇਹ 'ਤੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਰੱਖਦੇ
एक आधे हफ्ते वैसे तो सरकार ने भी अलाउ किया, सरकार ने भी कहा भी हर गड्डी होना चाहिए। बस ये तो शौक वजो ही लग्या होया वा, वैसे जी लोड देख लुक वाइज भी आप कह सकते हैं लुक भी वधिया बन जाती है तो जरूरी भी है। हाँ जरूरत पै भी सकती है अपन कदम ये काम आता भी है। तो जिमें हूँ लकड़ का फिर स्पैशली काम कराया जाता लकड़े बनते हैं जी, बाद पॉलिश किए जाते हैं, कुके वगैरह लाए जाते हैं स्पैशल, वो सारा कुछ बनाया जाता। इधर कुल्हाड़ी लगाई जाती, उधर बेलचा लगाया जाता, ये सारा लकड़ का जी पॉलिश किया जाता स्पैशली, सब कुछ पॉलिश किया जाता। चलो धन्यवाद जी ता बहुत बहुत ता काफ़ी तो जरूर हूँ तुम जान ही गए हो गए भी कि तैयार होंगे जीपा किस तरीके इन्हों ज अपने जो घर ले जाना चाहते हो तो घर भी लैके जा सकते हो, खरीद भी सकते हो। सो इसी अज की खबर, बधेरी खबर जुड़े हुए डेली पोस्ट के नाल। कैमरा परसन अमित के नाल गुरजोत सिंह की रिपोर्ट।